साथियों, आजादी के अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश के हर राज्य की अपनी भूमिका है। भारत जब समृद्ध था, जब ग्लोबल जीडीपी में हमारी भागीदारी बहुत बड़ी थी, तब हमारी ताकत हमारे पोर्ट से, हमारे पोर्ट सिटीज थे। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोची जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। हम यहाँ के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। साथियों, आज यहाँ देश को अपना सबसे बड़ा ड्राई डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण हुआ है। ये सुविधाएं केरला और भारत के इस दक्षिणी क्षेत्र के विकास को गति देंगी। मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के निर्माण का ऐतिहासिक गौरव कोच्चि शिपयार्ड के पास है। इन नई सुविधाओं से शिपयार्ड की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं केरला के निवासियों को इन सुविधाओं के लिए बधाई देता हूं।